हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू 10 वर्ड्स फॉर 2nd September 2020। सो वील स्टार्ट राइट अवे। फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इनएविटेबल। ओके, सो इनएविटेबल का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है अटल या अपरिहार्य। सो अटल या अपरिहार क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो विच इज़ वेरी सर्टेन टू हैपन, विच यू कैनॉट अवॉइड। सो अ सिचुएशन दैट इज़ अनअवॉइडेबल इज़ नोन एज इनएविटेबल। ओके, वो अटल है, मतलब जो उसको अवॉइड करने का कोई अभी चांस नहीं है। सो दैट सिचुएशन इज़ नोन एज अनअवॉइडेबल। सिमिलर वर्ड इसके हो जाते हैं, एक तो होता है अनअवॉइडेबल, दूसरा है इनस्केपेबल। ठीक है, अपोजिट वर्ड इसका अगर देखें, सो अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका अवॉइडेबल, इवेडेबल, अनश्योर, अनसर्टेन, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्ट्रिंजेंट। सो स्ट्रिंजेंट का जो हिंदी मतलब वो होता है, वो होता है कठोर या कड़ा। जैसे यहाँ जो स्ट्रिंजेंट COVID-19 लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन कितना स्ट्रिक्ट था उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया। सो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा या कठोर। सो इसके जो सिमिलर वर्ड हो जाते हैं स्ट्रिंजेंट के सिमिलर वर्ड होते हैं आपके स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रिजिड हार्श एंड टफ, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोलें स्ट्रिंजेंट का, तो एक तो हो जाता है फ्लेक्सिबल एंड दूसरा है लीनियंट। फ्लेक्सिबल लीनियंट, लीनियंट का मतलब थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। लीनियंसी का मतलब, एक तो लीनियंट का मतलब होता है दयावान या मर्सीफुल। सो एनीथिंग विच इज़ लिटिल फ्लेक्सीबल दैट विल बी अपोजिट ऑफ स्ट्रिंजेंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एब्ज्योर। सो एब्ज्योर का मतलब होता है टू रेनाउंस समथिंग और टू रिजेक्ट समथिंग। सो किसी चीज़ को अगर आप रेनाउंस करते हैं, रेनाउंस मीन्स छोड़ना। ओके, सो रेनाउंसिंग समथिंग और रिजेक्टिंग समथिंग इज नोन एज एब्ज्योर। ओके, सो हिंदी जो मतलब हो जाता है इसका, एब्जोर का हिंदी मतलब होता है त्यागना, त्यागना या त्याग करना। ठीक है, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं, एक तो होता है रिनाउंस, दूसरा है रिजेक्ट, तीसरा है रिट्रैक्ट और विथड्रॉ, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एब्जोर के। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा दैट इज डिस्क्रिशनरी। ओके, सो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि अवेलेबल फॉर यूज एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूजर। ठीक है, सो अवेलेबल फॉर द यूज एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूजर मीन्स क्या होता है कि एनीथिंग जो आप यूज तो कर रहे हैं बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट वेरी इसेंशियल फॉर यू। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी, कि मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जरूरी नहीं है फिर भी अगर उसको आप यूज कर रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिशनरी। सो यहाँ जैसे जो रेफरेंस दिया गया है दैट GDP कॉन्ट्रैक्टेड 26.7% एज कंज्यूमर एब्जोर्ड ऑलमोस्ट ऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। एब्जोर मीन्स त्यागना, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मीन्स कोई अनइसेंशियल जो चीज़ें थी उसका लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है GDP के डाउन होने में। सो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है एनी थिंग विच इज़ नॉट वेरी इसेंशियल, विच इज़ ऑप्शनल, विच इज़ नॉट कंपल्सरी, विच इज विच यू कैन विदाउट विदाउट दैट यू कैन लिव ईजिली। ठीक है, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं डिस्क्रिशनरी के, एक तो होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल
नॉन कंपल्सरी, ठीक है, एंड थर्ड वन इज वॉलंटरली, वॉलंटरी। ओके, अपोजिट वर्ड अगर बोलें डिस्क्रिशनरी का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी और इसेंशियल, ठीक है। सो ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डिस्क्रिशनरी, अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके डिस्क्रिशनरी के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज डिविडेंड। सो डिविडेंड का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है लाभांश। ओके, सो लाभांश का क्या मतलब होता है कि जो जैसे कोई कंपनी अगर वो प्रॉफिट करती है, सो उस प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट अपने शेयर होल्डर के साथ जो शेयर करती है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। ओके, सो अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, दैट इज नोन एज डिविडेंड। ओके, डिविडेंड का क्या मतलब है, यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग एंड फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न। एक तो ये इसका मतलब हो जाता है। दूसरा जो मतलब है यहाँ पे, जैसे जो जिस रेफरेंस में यूज किया गया है इस वर्ड को, डेली शुड बी केयरफुल नॉट टू व्यू इमीडिएट डिविडेंड एज रिप्रेजेंटिंग अ न्यू डॉन। ये कश्मीर वाले सेंस में किया गया है कि अगर आपने जो भी वहाँ एफर्ट लिए उसका इमिडिएटली प्रॉफिट पे फोकस ना करें, उसका इमिडिएटली कोई आउटकम पे इमिडिएटली आप उतना फोकस ना करें। सो एक तो हो जाता है लाभांश, प्रॉफिट शेयरिंग वाला है इसका मतलब। दूसरा ये हो जाता है कि आपने कोई एक काफ़ी कंसिस्टेंट एफर्ट लिया है किसी भी चीज़ में, उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको भी आप डिविडेंड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज इमैस्कुलेट, ठीक है। सो इमैस्कुलेट का मतलब होता है प्रभावहीन या शक्तिहीन, ठीक है। सो एनी एक्शन विच इज डिप्राइविंग और मेकिंग समथिंग अनइफेक्टिव और लेस इफेक्टिव। सो किसी चीज़ को आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसा स्टेप जो सामने वाले की स्ट्रेंथ को, सामने वाले की इफेक्टिवनेस को कम कर दे, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेट। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड जो होता है इमैस्कुलेट का, एक तो होता है वीकेंड, WEAK, वीक वाला वीकेंड। ओके, नेक्स्ट है डाइल्यूट, इरोड, अंडरमाइन, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें, सो इमैस्कुलेट में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है, उसकी शक्ति कम हो रही है। सो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथेन, मतलब उसको और स्ट्रांग करना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज डेसोनेंस। डेसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट। ओके, लैक ऑफ एग्रीमेंट या किसी भी सिचुएशन में जो मतभेद होता है, जैसे एक ग्रुप है उसमें कुछ लोग एग्री हो रहे हैं, कुछ लोग एग्री नहीं हो रहे, सो दैट इज दैट मतभेद और लैक ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज डिसोनेंस। ओके, सो मतभेद, दैट इज डिसोनेंस। इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड होता है आपका डिस्पैरिटी, डिसएग्रीमेंट, टेंशन, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें डिसोनेंस का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है हार्मोनी, एग्रीमेंट और सिमिलैरिटी, ठीक है। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके डिसोनेंस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज एनामली। एनामली का मतलब होता है हिंदी जो इसका मतलब होता है असंगति, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज डेविएटिंग द नॉर्मल स्टैंडर्ड। ओके, सो सम दैट इज नोन एज
मतलब वो जो है वो एनामली है, मतलब वो किसी चीज़ के साथ मैच नहीं अगर कर रहा है, तो इफ़ एनीथिंग इज़ डिफरेंट और एबनॉर्मल दैट विल बी नोन एज एनामली। ठीक है, सो इसके सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं आपके? सिमिलर वर्ड होता है आपका, एक तो होता है ऑड, ऑडिली, ऑडिटी, सॉरी ODD, ऑड मतलब कि वो सेम नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, दैट इज ऑड। सो एक ये वर्ड हो जाता है, दूसरा वर्ड होता है पेक्यूलरिटी, सो बोलते हैं पेक्यूलियर, सो पेक्यूलरिटी। सेकेंड वन इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मेलिटी। और इररेगुलरिटी, सो ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एनामली के। सो कोई भी चीज़ अगर वो डिफरेंट है, एबनॉर्मल है, दैट इज़ नोन एज एनामली। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज़ इनकार्सरेशन। सो इनकार्सरेशन का आपका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है किसी को कैद करना या बांधना या जेल में डाल देना। ठीक है, सो कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन इन जेल और प्रिजन और एक्ट ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट इज नोन एज इनकार्सरेशन। सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इम्प्रिजनमेंट कन्फाइनमेंट डिटेंशन कस्टडी, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इनकार्सरेशन के। अपोजिट वर्ड बोलेंगे इनकार्सरेशन का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका फ्रीडम, ये अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका इनकार्सरेशन का। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज मूट, MOOT, मूट। ठीक है, सो मूट इज व्हाट? मूट इज एनी एनी सब्जेक्ट व्हिच इज डिबेटेबल, व्हिच इज हैविंग सम समथिंग और अदर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी, सो व्हिच इज कंटिन्यूअसली रेजिंग क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, सो दैट इज नोन एज मूट। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, एक तो हो जाता है डिबेटेबल, दूसरा है आर्ग्यूएबल, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूटेबल, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। सो कोई भी चीज़ जो विवादास्पद है या कोई भी चीज़ ऐसी जिस पे बहस की जा सकती है या होती है, सो दैट इज़ नोन एज मूट। ठीक है, सो यहाँ जैसे कश्मीर वाले रेफरेंस में लिखा गया कि इट इज़ अ मूट पॉइंट। ओके, सो ये रहे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।